ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई स्टेट की गवर्नमेंट लोगों को कुछ ऐसी पॉलिसी देना शुरू कर चुकी है जिससे लोग जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर सके। और इसी कड़ी में यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा कदम उठा दिया है जिससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जल्द ही स्विच करेंगे। क्या किया है यूपी सरकार ने, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर टैक्स माफ कर दिया गया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कोई रजिस्ट्रेशन फी भी आपको नहीं पे करनी होगी। अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो इस फैसले के मुताबिक 3 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। वहीं स्टेट में ही मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ये ऑफर 5 साल तक वैलिड होने वाला है। साथ ही गवर्नमेंट ने यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में न्यू इंस्ट्रक्शन को इमीडिएट फॉलो करने की भी बात कही है। अगर हम आपको स्कीम के रिजल्ट के बारे में बताएं तो अभी हाल ही में चाइना की 2 कंपनी ने यूपी में इन्वेस्टमेंट की है जो कि काफी बड़े लेवल पर है। वहीं आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 14 अक्टूबर 2025 तक वैलिड कर दिया गया है और ये पॉलिसी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करने वाले ऑटोमोबाइल पर भी एप्लीकेबल है जो बैटरीज, अल्ट्रा कैपेसिटर और फ्यूल सेल से पावर्ड है, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर इंक्लूडेड है। पॉलिसी के अकॉर्डिंग व्हीकल के फैक्ट्री प्राइस पर 15% का डिस्काउंट भी बायर को दिया जाएगा। पहले 2 लाख 2 व्हीलर जो सेल होंगे उन पर स्टेट 5,000 रुपए का डिस्काउंट देगा। वहीं 3 व्हीलर पर मैक्सिमम 12,000 और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मैक्सिमम 25,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस पॉलिसी के अंदर स्टेट में 400 बसेस पर 2 लाख तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।